नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की मांग के लिए जम्मू में हुई G23 नेताओं की बैठक और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई में भूचाल ला दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से मिलने सोमवार को दिल्ली पहुंचे। मीर ने संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और राज्य प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार मीर ने इस घटना के बाद राज्य और राजनीतिक स्थिति के बारे में नेतृत्व को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य इकाई के कार्यकर्ता PM मोदी के बारे में आजाद की टिप्पणी से नाराज है। मीर ने वरिष्ठ नेतृत्व को बताया कि इस घटनाक्रम का कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। जानकारी के अनुसार गुलाम अहमद मीर फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे और इस मुद्दे पर कई बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने वाली पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को G23 कहा जाता है। इन नेताओं का कहना है कि पार्टी कमजोर हो रही है, वे इसे मजबूत करने के लिए एक साथ आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राज्यसभा में आजाद की विदाई देते समय उनकी जमकर तारीफ की थी और एक घटना का जिक्र करते हुए भावुक भी हो गए थे। आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।